बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सोहैब साजिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। होपफुली गाइस आप सब जो है वो ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और भाई साहब आज जो है ना, मतलब ईद गुजरी को एक हफ़्ता हो गया और सिर्फ हमने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, क्योंकि भाई आपके भाई की जो है ना तबीयत थोड़ी सी जो है वो अपसेट रहती है, इस वजह से व्लॉग ही नहीं कर पाया। और थोड़ा सा बिज़ी भी था घर के कामों में, इस वजह से जो है ना मैं मतलब कर ही नहीं पाया यार वीडियो, कहीं बाहर ही नहीं निकल पाया। तो खैर आज की जो वीडियो है बहुत ही मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ अपनी यूनिवर्सिटी वापस, क्योंकि आपको पता है भाई अपना जो है ना थीसिस अभी अटका हुआ है और थीसिस सबमिट करवाने के लिए मुझे वापस जाना ही था। तो अब जो है ना अब हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि भाई आगे जो है ना जॉब की भी सर्च करनी है और अब जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना है। तो टाइम गाइज 8 बजने वाले हैं और मैं अभी जो है ना घर से निकला हूँ, तो अभी मौसम भी सही है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, सूरज मियाँ जो है ना अभी निकले हैं। तो खैर जल्दी से चलते हैं यूनिवर्सिटी और आज जो है ना जाके सर को चेक करवाते हैं थीसिस, और फिर सर बताएंगे भाई इसको जो है बाइंडिंग करवाएं या फिर अभी भी जो है ना इसमें और मोटिव और जो है ना इम्प्रूवमेंट करनी है। यार अभी जो है ना जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हमने सफ़र बहुत ज़्यादा करना है। तो गाइस हमने सोचा हुकूमत बनने के बाद जो है ना वो पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन भाई यहाँ पे जो है ना पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, बल्कि 300 का ही हो गया है 1 लीटर। गाइस अभी जो है ना बज गए हैं 8:15 हो गए हैं और हमें पहुंचना है 9-10 बजे तक जो है ना वहाँ पे। अब हम कोई स्टे नहीं करेंगे, पेट्रोल भी डलवा लिया है, सीधा जो है वो रेनाला फोर्ट जाके ब्रेक लगाएंगे। सो गाइस ये जो है ना अहमद थैलेसीमिया हॉस्पिटल है कंगनपुर में, और आपको बताऊं तो यार ये बिल्डिंग है अहमद थैलेसीमिया हॉस्पिटल की, जहाँ पे बच्चों का फ्री इलाज किया जाता है। और आपको बताऊं तो थैलेसीमिया की जो बीमारी है बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जिसमें जो है वो ब्लड जो है वो वीकली और मंथली जो है ना चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना आप सब लोग जो है वो अगर हेल्प करना चाहते हैं बच्चों की, आप ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप जो है ना पैसों के साथ अपनी जो है ना इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प करें, क्योंकि भाई ये जो हॉस्पिटल है ना वो मतलब इसी तरह जो है ना आप सब लोगों की मोहब्बत से ही बना है। तो इंशाल्लाह अभी काम जारी है, इसका ऊपर भी एक पोर्शन बन गया है जिसमें बच्चों की और फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे जो है वो अवेलेबल होंगी। तो गाइज आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है ना हेल्प करेंगे तो आपका 1 रुपया भी जो है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, बल्कि इन बच्चों की ज़िंदगी बचने में जो है वो काम आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हम जो है ना एक दिन इस हॉस्पिटल का पूरा टूर करेंगे, लेकिन अभी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप डोनेट करना चाहें तो भाई साहब आप डोनेट कर सकते हैं, और आपको जो है ना नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं यही कहूँगा यार आप जो है ना वो लाजमी डोनेट करें, चाहे आप ब्लड डोनेट करना चाहें या फिर पैसे देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये हमारे प्यारे भाई थे अहमद, और उनके नाम पे है क्योंकि ये थैलेसीमिया के शिकार थे और इनकी डेथ हो गई। तो खैर जो है ना आप इनके ऊपर जो है ना वो ये देखें अभी मतलब जो है ना फ्री मेडिसिन, फ्री ब्लड और फ्री ब्लड बैंकिंग, जो मतलब ये अभी 4 फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह अभी बिल्डिंग बन रही है, आप देखें तो ऊपर काम जारी है और ऊपर वाली बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी। तो आप जो है ना ये सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो है ना इनकी मतलब इस हॉस्पिटल की जो है ना वो हेल्प करें जितनी भी हो सके, तो ताकि जो है ना बच्चों का फ्री इलाज किया जा सके। गाइस अभी ना हम चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया और जाके फिर सर को भी मिलना है। लिटरली यार बाइक चला चला के मैं थक गया हूँ, और आपको बताऊँ तो भाई बहुत ही खूबसूरत सीन मुझे नज़र आया यहाँ पे, ये वाला यार बड़ा प्यारा सीन आ रहा था, आपने देखा ये। तो भाई मैंने कहा यार चलो रुक के आपको भी बताता हूँ और फिर दिखाता भी हूँ। हमारा काफ़ी सफ़र पड़ा हुआ है, अभी मैंने निज़ामपुरा क्रॉस किया और उससे आगे काफ़ी दूर जाना हमने। तो गाइस टाइम जो है ना वो भी काफ़ी हो गया, 9:10 हो गया, हमारे पास सिर्फ 50 मिनट हैं और 50 मिनट में हमने जो है रेनाला खुर्द पहुँचना है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो पहुँच जाएंगे। और भाई इतनी देर के बाद मतलब ना बाइक चला रहा हूँ, तो एक ना तबीयत थोड़ी अपसेट सी है, क्योंकि भाई ना मतलब घर में रहना, रोज़े रखना, बाइक चलाई नहीं, तो भाई अजीब सा था कुछ, और अब दिल ही नहीं करता बाइक चलाने को। खैर अभी हमारा काफ़ी सफ़र पड़ा जो हमने आगे तय करना है। तो ये चेक करें, रोड बहुत प्यारा है यार, ये खूबसूरत सीन नज़र आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लोग यहाँ पे बांस लगाते हैं, और ये देखें कितने ज़्यादा बांस के बाग लगे हुए हैं, खेत लगे हैं, तो यहाँ पे इनका कारोबार किया जाता है। फाइनली गाइस हम जो है ना रेनाला खुर्द पहुँच गए हैं, मतलब बाईपास पे पहुँच गए हैं, और इससे आगे जो है ना वो रेनाला खुर्द स्टार्ट हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं भाई ओकाड़ा जाने के लिए, मुल्तान जाने के लिए यही रोड है, मुल्तान रोड है। और यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा का भी बोर्ड लगा हुआ है। ओए गाइस, तो फाइनली जो है ना मैं अपने रूम में आ गया था और आके भाई सब फ्रेश हुआ हूँ और फ्रेश होके अब मैं जो है ना यूनिवर्सिटी के लिए जाने लगा हूँ। जाके जो है ना सूरत हाल देखते हैं क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है क्या नहीं। और आपको बताऊँ भाई मेरा दिल कर रहा है भाई सो जाऊँ, क्योंकि इतनी गर्मी है ना और थकावट हो गई है। इतने दिनों के बाद जो है ना वो बाइक चलाई थी तो यार मेरा दिल बहुत ना मतलब जिसम मेरा ना टूटा फूटा सा हो गया यार, और दिल कर रहा है यार अब ना सो जाऊँ। लेकिन भाई एक दफ़ा चलते हैं यूनिवर्सिटी की सूरत हाल देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर, और उसके बाद फिर जो है ना आके रेस्ट करेंगे और कल जो है इंशाल्लाह वो हमारा थीसिस सबमिट हो जाएगा इंशाल्लाह हज़रत। बस आप लोग जो है ना वो दुआ करें और आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह कल जो है ना हम लाजमी जो है अपना थीसिस जो है वो क्लियर करवाना है। तो खैर आज जो है ना वो देख के आते हैं कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। और अभी तो फ़िलहाल मुझे ना भूख भी लगना शुरू हो गई है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं यार फिर चल के ना। अच्छा बातें आते लगी है भूख, और आपके भाई ने भाई मंगवा ली है खमीरी रोटी है और साथ में चनों का सालन। तो भाई यहाँ से तो बाहर से ही नाश्ता करना पड़ता है, लेकिन आज मैं बहुत टाइम के बाद जो है वो बाहर से नाश्ता करने लगा हूँ। और नान तो मैं नहीं खाता भाई, मेरे से खमीरी बड़ी मुश्किल खाई जाती है। चाय शाय पी ली है और नाश्ता कर लिया है, तो जो है ना अब चलते हैं सीधा यूनिवर्सिटी और देखते हैं क्या सूरत हाल है, कौन कौन आया। तो भाई अब थोड़ा फ्रेश हुआ क्योंकि अंदर चाय गई है तो एनर्जी है। यूनिवर्सिटी पहुंच गया और छाँव में जगह मिल गई है, शुक्र है, नहीं तो भाई यहाँ पे धूप में जल जानी थी। और ओए भाई ट्रेन भी आ गया, क्या बात है, सीन चेक करें आप। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और यूनिवर्सिटी भी हमसे उदास हो गई होगी। तो ये देखें हमारी प्यारी सी यूनिवर्सिटी, लव यू हो गया जनाब, हमने आपको बहुत मिस किया, ठीक है। तो अब मैं वापस आ गया हूँ, ये भी मेरे बगैर उदास हो जाती है यार। तो देखा आपने ट्रेन कितनी लंबी गई भाई, कराची तक यहाँ से जो है ना ट्रेनें जाती हैं। आते साथ ही सीढ़ियों ने जो है ना मत मार दी है। चलो देखते हैं अंदर भाई पूरा शुगर मेला लगा होगा, और ये सीढ़ियाँ जो है ना हमारी जान की जानी दुश्मन है ये सबसे बड़ी। तो भाई अंदर जो है सफाई हुई पड़ी है और देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। और ये खूबसूरत व्यू आप मिस ना करें भाई साहब, जब हम गए थे तो सारी यूनिवर्सिटी खाली थी और अब सारी यूनिवर्सिटी हरी भरी नज़र आ रही है यार, चेक करो ज़रा। और रश जो है वो इतना नहीं नज़र आ रहा पता नहीं क्यों, लेकिन भाई यूनिवर्सिटी जो है ना वो सारी ग्रीन नए पत्ते शत्ते निकले हैं, मौसम बाहर का टाइम है। सो भाई साहब हमारी जो क्लास है वो काफ़ी लोग आए हुए हैं आज थीसिस सबमिट करवाने के लिए, लेकिन अभी तक सर नहीं आए। और आपको बताऊँ तो भाई सारी यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा रश है और शक्लें भी सारी नई नज़र आ रही हैं। तो खैर जो है ना अल्लाह खैर करे, आप इन लोगों को सुबह बुलाते हैं और फिर शुगर मिला करते हैं। हमारे प्यारे भाई आए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह यार आप तो माशाल्लाह बड़ी हाई फाई डिग्री कर रहे हो हैं, तो क्या कर रहे हैं आगे, क्या प्लान है? यार हम ना सॉफ्टवेयर हाउस में ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं और आगे भी हमें इसे कंटिन्यू करने का। तो कौन सा सेमेस्टर है आप लोगों का? हमारा लास्ट सेमेस्टर। वाह यार मतलब आपको देखा नहीं कभी, कहाँ हम बस इधर ही, तो आपको देखा नहीं कभी यार। हमारा भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है यार। कौन से डिपार्टमेंट? बायोटेक्नोलॉजी। यार हम ना बस कम आते हैं यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर हम उधर ही होते हैं, ऑफिस में होते हैं। चले सही यार, ऑल द बेस्ट। ये हमारे एडवोकेट साहब को शादी की शौक पड़ गया है यार। यार क्या है यार, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो सर? कहाँ है बॉस? अस्सलाम वालेकुम सर। वो बॉस आज लेक्चर शेर मैं सुना देता हूँ। नहीं पहले आप ये बताओ आपको शादी की क्या जल्दी पड़ी हुई? सर मैंने इससे इसकी शादीशुदा। अच्छा, इन भाई शादीशुदा। अब मैं ये कह रहा हूँ मुबारक हो भाई जान, आपको बहुत बहुत यार मुबारक हो। तो ये शादीशुदा। अच्छा ठीक है, ये जब मिलते हैं इस तरह की तैयारी में यार यहाँ करो ना, ठीक है, तो हमें भी यह शौक होता है। वो ये है कि हम 10-12 साल बात करेंगे ये टाइम से। तो गाइस मैं जो है ना मेन रोड पे वॉक कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा भाई हैं पुराने जो है ना वो हमें मिल रहे हैं और सबके साथ जो है ना हमारी गपशप होती रहती है, पहले ही मिलते रहते हैं, व्लॉग्स में आते रहते हैं। तो अभी जो है ना हमारे आमिर भाई भी आ रहे हैं, ये चेक करेंगे। आमिर भाई इधर आए यार। आमिर भाई क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं सुना आप पार्टी अरेंज करवा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट की। 24 को हमने पार्टी रख दी है। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छी पार्टी होगी, तो लंगर शंगर सही होएगा। आए फिर हम CRGR फ्री है तो देख लो आप, ये देख लो ना बताया ना कुछ नहीं, वो हम आपको ढूंढ रहे थे, हमें नहीं पता, हमें तो कैफे तक। अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं आप ठीक है। और सबसे पहले मुबारक आपको इत्काब बैठने की, अल्लाह आपने दुआ की होगी हमारे लिए। तो दूसरी बात ये थी कि मैं ना उधर जा रहा था, तो हाफिज़ कहता किधर जा रहा है, निकल हाफिज़ कहता किधर जा रहे हो, मैंने कहा कैफ़े। यार ऐसा हालात में कैफ़े बोल गया मैं, जो सबसे ज़्यादा कैफ़े आ रहा था। खैरियत है यार, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ मेरी जान, यार तू मैंने क्या मैं नहीं आना आज, कैसे हो? फिर मिलो कैसे हो आप, ठीक हो? एक तो मैंने आपको, आपने कहा जी मैं अभी घर नहीं, आपका तो वो हो गया था सबमिट थीसिस। मैंने मार्क्स नहीं तुम्हारी मैम से बनवाना। अच्छा जी, 70 हो गया। 70 कौन से वाले? किस में कितने थे पहले? सेमिनार का करवा पहले कितने थे? 55 थे। ओए मैं फिर जाऊँ 90 हो जाएंगे मेरे। करवाया सेमिनार के मार्क्स लगवाने मेरे। यार काम चेक करो यार, जूस ले आया यार, मैंने नहीं पीना था, आप इतना तकल्लफ करके ले आए हो यार। नहीं यार वसीम भाई, वैसे ये मैम निमरा के लिए। अच्छा यार और सुनाओ, फिर इतने दिनों के बाद फिट फाट घर में बोर हो रहे थे। अच्छा तो मैंने कहा चलें, आपका भी थीसिस क्लियर हो गया? थीसिस क्लियर हो गया, उन्होंने बैटिंग करवा के साइन करवाने है यार। वो क्या से कहते कैसे किया, कोई हमें भी नुस्खा बताओ ना यार। मैं तो काफ़ी खपता रहा हूँ, जाता हूँ HOD के पास। अच्छा आखिर पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उसके जहन में आया साथ साथ चलते हैं। अच्छा अच्छा, उस दिन पता नहीं उसके जहन में क्या आया। हाँ। तो मैंने सेटिंग करके कहता यार तुम्हारे ना वो जो रेफरेंस है ना वो नोट से नहीं है। अच्छा। वीडियो तक जानी हो टीचर तो कोई बात नहीं यार, फिर क्या है वो सही बता रहा है ना, वो मिस्टेक सर ने निकाली, फिर इसने सही कर उसने कहा कि क्लियर हो गया। यार वैसे हाफिज़ का नोट किया तूने, जब से इसका थीसिस है क्लियर वाइट हो गया यार, ये चेक करो। सो गाइस इन दोनों का तो भाई हो गया थीसिस सबमिट, और ये फाइनल कंडीशन में पहुंच गया। हाँ, HOD ने खुद कहा, मैं ये देखो ये एक्सेल शीट पड़ी हुई थी उसके पास, कहता नाम क्या? मैंने कहा वसीम। रोल नंबर बताया, उसने कहा ये देखो वसीम मैंने कर दी है, अब आप बैंडिंग करवा लें। मैंने बैंडिंग करवा ली, मेरे 2700 लगे हैं बैंडिंग के, होगी वो बैंडिंग करवा ली। भाई साहब हमारी भी हो जाए, बस अल्लाह करे, दुआ किया करो यार आप लोग। और बस फिर ना जॉब की रिसर्च के लिए हम निकलेंगे, तो क्योंकि ऑफिस को जो है ना वो तो जॉब मिल नहीं रही, इसको तो कोई लैब में नहीं रख रहा यार। मुझे कल बड़ा भाई पूछ रहा था, मेरे पापा ने आज मुझे। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का मेन कैबिन ग्लो, जो कि माशाल्लाह से हर टाइम जो है ना यहाँ पे रौनक मेला लगा ही रहता है। भाई अभी जो है ना वापस जाने का टाइम हो गया है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आज भी काम नहीं हुआ, तो मैंने सोचा यार घर चलते हैं, आज रेस्ट करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह आएंगे चेक करवाएंगे। और आपको बताऊं तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और सारे आए हुए थे, सबको आपने देखा है, कुछ लोग नहीं आए, मतलब ज़्यादा लोग नहीं आए क्लास के ना, आधे से कम ही आए थे, और उनसे हम मिले हैं। और आपने देखा ही भाई वो सबको जो यही टेंशन पड़ी हुई है, बस थीसिस सबमिट हो जाए और वो अपनी जॉब के लिए ना कुछ कर लें। तो इंशाल्लाह हमारा भी थीसिस सबमिट होगा, हम भी ट्रांसक्रिप्ट लेके अप्लाई करते हैं, तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से जो है ना मुझे जो है वो बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। सीट जो है ना अभी थोड़ी थोड़ी गर्म है, लेकिन मैं पानी लेके आया था, चलो पानी फेंकने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। और अब चलते हैं यार हॉस्टल। मुझे लगी थी भूख और मैं आके लेटा हूँ सीधा घर, और भाई मैंने कहा जाके ना थोड़ी सी कुछ खा भी लेते हैं, क्योंकि भाई भूख से गुजारा नहीं होता है यहाँ पे। और मैं आ गया हूँ चिश्ती बिरयानी वाले के पास, पहले मैं जाता हूँ कराची वालों के पास, आज आया हूँ चिश्ती वालों के पास। चिश्ती वालों ने पता नहीं किस चीज़ की 3 दिन की हड़ताल कर दी है, तो वही वो बंद है, तो अब कराची वालों के पास जाना पड़ेगा। चलो उनके पास चलते हैं, और वहाँ पे तो हम वैसे भी रेगुलर जाते रहते हैं। ये रेनाला कॉलोनी पुल का जो है वो व्यू है बहुत ही प्यारा, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फेमस है। तो गाइस रेनाला खुर्द में मेरे प्यारे दोस्त खान साहब जो हैं इन्होंने प्राइज़ लगा ली है, और ये भाई बहुत ही मज़े की प्राइज़ बनाते हैं। तो रेनाला खुर्द में आपने अभी तक इनकी प्राइज़ टेस्ट नहीं की, तो भाई प्राइज़ इनकी जो है ना वो चेक करें, बहुत मज़े की प्राइज़ बनाते हैं। भाई साहब खान साहब ने जो है ना प्राइज़ दे दी हमें, कह रहे भाई प्राइज़ खा के जाना, ऐसे नहीं जाना। वैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत देर के जो है ना इनसे मुलाकात हुई है, 2 साल हो ही गए हैं। तो अब माशाल्लाह इन्होंने नया कारोबार शुरू किया, अल्लाह ताला बरकत डाले। और प्राइस इनकी चेक करते हैं भाई, बहुत ही मज़े की लग रही है मुझे तो आगे ही पता चलेगा। हाय 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 गाइस बहुत ही मज़े किया, लिटरली मजाक से हट के जो है ना मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एक प्राइस जो होती है ना वो सड़ी सी होती है, रेड रेड होती है, लेकिन ये देखें इसका कलर भी बहुत ही मज़े का है और वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त। इसलिए जो है ना मेरी बाइक यार ना कोई मांग के ले गया था, जाने वाला दोस्त था, तो इसकी वजह से मेरे पास ना बाइक नहीं थी और मुझे जो है ना भूख लगी थी और पैदल चल के खाना खाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। और जब मैं यहाँ पर आया तो भाई वो बिरयानी वाली शॉप आपने देखा बंद थी, फिर मुझे आगे जाना पड़ा और आगे से खान साहब मिल गए और खान साहब ने भाई हमें खिला दी फ्राइज़, वो भी फ्री में। तो खाने के बाद भाई चाय पिया और मैं जा रहा हूँ फिर से पैदल वापस। माशाल्लाह से बड़ा प्यारा हो गया है कि आप चेक करें बादल बन गए हैं और कभी बारिश जो है वो आ सकती है। तो गाइस मैंने कहा यार ना चलो पैदल चल के आज जो है ना वो खा पी आते हैं, क्योंकि घर में रहते थे इतना चलते नहीं थे और यहाँ पर थोड़ा चलने का मौका मिला तो मैंने कहा चलो आज पैदल ही चलते हैं। फिर 4:44 हो गए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम आज जो है ना वो हमने बाहर गुजार लिया। मैं हॉस्टल वाली अपनी जो गली है वहाँ पहुँच चुका हूँ और भाई बस हो गया, अब जो है ना जाके वीडियो भी एडिट करनी है, अपलोड भी करनी है और यहाँ पे नेट भी नहीं सही से आता। तो खैर अल्लाह खैर करेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और फिर यहाँ पे जो हम जितने दिन हैं डेली का आपको व्लॉग देंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।